नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, Redmi Y2 को ऑफिशियली अपडेटर ऐप में अपडेट मिल गया है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल करें। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि बहुत दिनों से हमें इंतज़ार था कि Redmi Y2 को अपडेट कब मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा था दिसंबर के पिछली वीडियो में, दिसंबर के एंड में मिलेगा, बट उससे पहले ही हमें Redmi Y2 को अपडेट मिल गया है अपडेटर ऐप में। चलिए आपको दिखाते हैं कैसा अपडेट आया है, क्या उसमें बग्स है, क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको वो अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको अभी कुछ नहीं बताऊंगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप पूरी वीडियो देखो, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखो। और आपको अगर लगता है कि नहीं कोई बग नहीं है तो ही आप अपडेट करें, क्योंकि हम बहुत दिन से सोच रहे थे लिंक से अपडेट ना करें। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लिंक से अपडेट ना करें, उसमें बहुत सारे बग्स आ जाते हैं। तो चलिए आज फाइनली अपडेटर ऐप में मिल चुकी है मुझे, आपको भी मिली होगी, एक बार आप जाके चेक कर सकते हैं अपडेटर ऐप में। और फाइनली MIUI 12 का अपडेट मिल गया है। मैंने वर्जन ध्यान से नहीं देखा, मैंने सोचा पहले वीडियो बना के आपको बता दूं, बट MIUI 12 मिला है। मैंने उसे डाउनलोड के लिए अपडेट करता हूं, आपके सामने करूंगा एकदम सब कुछ, कैसे अपडेट होता है, मतलब कौन कौन से फीचर्स उसमें ऐड किए गए हैं, क्या बग्स है, कोई कैमरा में एरर तो नहीं आ रहा जैसे पिछली बार हमने लिंक से अपडेट किया था, एकदम फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए ज़्यादा देर ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो ये आप देख सकते हैं इसमें अपडेट आया हुआ है, मैं आपको सब कुछ चेक करा देता हूँ, कहीं आप बोले कि नहीं भाई दूसरी कर रहा है। तो ये सब देख सकते हैं Redmi Y2 है, एक मिनट, अब आपको दिख रहा होगा Redmi Y2 है, ठीक है, अपडेट आया हुआ है, मैंने अपडेट कर लिया है, रिबूट कर देते हैं इसे, ये हो रहा है। ये जब तक होता है तब तक मैं थोड़ी सी वीडियो स्किप कर दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, जितना होता है उतना होने देते हैं, थोड़ा स्किप कर देंगे। तो देख सकते हैं आप ये पूरा हो गया है, 90 पर रुक गया है शायद, ये अब स्टार्ट होगा, देख लेते हैं क्या होता है। और का है ये देख सकते हैं, सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाया, थोड़ा सा कट हो गया, तो ये अभी MIUI दिखा रहा है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। इसमें इससे पहले Redmi लिखा हुआ आया था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया, ये ऑन हो रहा है। तो ये ऑन हो गया है, तो फर्स्ट बार ऑन हो रहा है, तो थोड़ा स्लो ऑन होता है, इसकी लाइट बंद हो गई, देखते हैं क्यों बंद हो गई लाइट। तो ये मैंने लॉक खोला है, तो ये उसका लोगो दिखा रहा है MIUI 12 का, तो अब ये चेकिंग वगैरह बहुत कुछ दिखाएगा, इसमें क्या क्या नया फीचर है वो सब बताएगा ये। नेक्स्ट करते जाते हैं, नेक्स्ट। इसमें अभी शायद हमें जो उसके ऊपर में जो स्लाइड करते हैं तो कंट्रोल सेंटर है, उसका भी ऑप्शन देगा, तो स्किप कर देते हैं, कुछ पूछ रहा होगा। अपडेट नाउ पे क्लिक कर देते हैं, देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आता है अपडेट करने के बाद। तो इसमें से आप देख सकते हैं MI वीडियो गायब हो गया, MI ब्राउज़र भी गायब हो गया, MI पे है, बाकी सब कुछ है, कुछ गायब नहीं हुआ है। मैं आपको अपडेटेड ऐप में जाके दिखा देता हूँ कौन सा वर्जन चल रहा है, 12.0.2 का स्टेबल चल रहा है, ठीक है, कोई मतलब वो नहीं चल रहा है, एकदम स्टेबल चल रहा है, देख सकते हो। चेक फॉर अपडेट्स में नो अपडेट्स दिखाएगा, हाँ व्हाट्स न्यूज़ में देख लेते हैं क्या नया है इसमें, क्लिक हो जाए यार, हाँ
तो इसमें देखो MIUI 12 हाईलाइट है और सिस्टम एनिमेशन चेंज हुआ है, सिस्टम विजुअल और प्राइवेसी प्रोटेक्टिव, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था जो पहले अपडेट आया था, सेम वही है, बस इसमें थोड़ी इम्प्रूव करी गई है, जैसे बग्स वगैरह हैं उन्हें इम्प्रूव किया गया। इसमें कास्टिंग नया आया है, उसमें कास्टिंग नहीं था, नोट्स वगैरह थे उसमें भी, सिक्योरिटी भी था। तो इसमें इसे बैक करते हैं, मैं आपको इसमें सब कुछ दिखाऊंगा। ये मैं नोटिफिकेशन एरिया अभी नहीं आया है, देख सकते हैं ये सक्सेसफुल हो गया है हमारा, ठीक है, इसको हम स्लाइड कर देते हैं। हमारा जो उसमें नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर था वो नहीं आया है, उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा मेरे अंदर से। लॉक स्क्रीन में जाते हैं और ये तो वो है घड़ी के टाइप्स, कैसे कैसे घड़ी आए हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला लगा लेते हैं, यही अच्छा लग रहा है, यही सही था। अब इसे बैक करते हैं, इसमें मैंने पिछली बार भी ऑन किया था बट वो मेरे को मिल नहीं रहा है, इसमें वो आपको मैं दिखा दूंगा बाद में, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या न्यू फीचर ऐड किए गए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या चीज़ नए आए हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले तो सिक्योरिटी ऐप में हमें क्या नया मिला है वो दिखाते हैं। इसमें देख सकते हैं एनिमेशन चेंज हो गया है और इसमें हमें अल्ट्रा पावर सेविंग बोर्ड मिल चुका है। बड़ी खुशी की बात है यार, ये हमारे पास नहीं था, सब में था बट हमारे पास ही नहीं था। और इसमें से ये तो मैंने फायरफॉक्स पहले से ही डाउनलोड कर रखा था, इसमें MI वीडियो को हटा दिया गया है और MI ब्राउज़र को हटा दिया गया है। अब मुझे इसमें एक भी बग नहीं लग रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है चलाने में। मैं आपको जैसे कि अपना क्या चला के दिखाता हूँ, मैसेज दिखाता हूँ। मैसेज में क्लिक किया हमने, ये तो ये फर्स्ट टाइम है, थोड़ा तो लेट लगता ही है, देख सकते हैं मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई मैसेज मैं डिलीट मारता हूँ, ऐसे तीन मैसेज है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। साउंड वही है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है देखने में। जैसे कि मानो नोट्स में आते हैं तो नोट्स भी बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ये तो पहले भी था, ठीक है। कोई बग्स मुझे इस बार एक भी बग देखने को नहीं मिला है, ना लैग है जैसे पिछली। तो इसमें आप लोगों को ये जो नोटिफिकेशन बार है ये चेंज नहीं करके दिखाया मैंने, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले हमारा ये रहा, सबसे नीचे आना है स्टेटस बार में और फिर ये देख सकते हैं यूज़ कंट्रोल सेंटर, ठीक है। अब देखो राइट साइड से ये आएगा, लेफ्ट साइड से ये आएगा, देखो ऑलवेज़ गुड है, बहुत बढ़िया अपडेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेशक डाउनलोड कीजिए, इन्जॉय कीजिए, बहुत बढ़िया अपडेट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।